जब मैं फर्स्ट टाइम मैं इनको लेके आता हूँ, पहले उसी हालत में मैं इनको पहले शीशा दिखाता हूँ, नहलाने धुलाने के बाद फिर इनको दाढ़ी बाल काटने के बाद फिर कपड़े बना के दोबारा फिर शीशा दिखाता हूँ। जब वो मुस्कुरा जाते हैं तो मेरे अंदर भी खुशी जगती है कि शायद ये वापस आ सकता है। उस टाइम से मैं इन लोगों को देखता था, 84 में मैंने बीड़ा उठाया कि जहाँ भी मुझे ये लोग मिलेंगे मैं इनको नहला धुला के भोजन कराऊंगा। रास्ते में भी इनको कोई मिल जाते थे तो घर पे ले आते थे, इनके साथ साथ मेरे अंदर भी यही सेवा भाव का आ गया। ये अपनी किसी को भूख बता नहीं पाते और ये कूड़ा खाते हैं, सड़ा हुआ गला हुआ खाना खाते हैं। मैंने ये बीड़ा इसलिए उठाया कि दोनों टाइम इनको अच्छा और ताज़ा खाना मिले। कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा काम करें और इनके अंदर खुशी आए। ये सभी लोग वैसे भी बीमार ही होते हैं जब हम लाते हैं, तो अगर हमारे को फंड की व्यवस्था हो जाती है तो सबसे पहले हम एक अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी बनाएंगे और जो है इन लोगों का ट्रीटमेंट हम अपनी ही डिस्पेंसरी में करें। पूरा दिन कहाँ गुजर जाता है पता नहीं चलता, अब इसी सेवा में ही मजा आता है हमें।